आज जरा बात करते हैं आपके फेवरेट 90s के गाने की। आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट 90s पाकिस्तानी सॉन्ग कौन सा है। मुझे स्ट्रिंग्स का सर किए ये पहाड़ बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई आई थिंक अबाउट दिस सॉन्ग ईच टाइम देयर इज अ माउंटेनियर ऑन माय शो। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं साद मुनव्वर से, हु इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड वेल नोन माउंटेनियर फ्रॉम पाकिस्तान, और हाल ही में इन्होंने सर की है अमरीका की सबसे हाइस्ट जो चोटी है, इसको कहते हैं जी एकॉनकागुआ, जो कि दुनिया का हाइस्ट माउंटेन है आउटसाइड ऑफ एशिया। और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी की अपने सोशल मीडिया पे, जिसमें इन्होंने दिखाया कि इस पहाड़ को सर करने के बाद सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए वहाँ पर साद ने अजान दी, और उसके बाद पाकिस्तानी परचम को भी वहाँ पर लहराया। और चंद ही दिनों में हम देख रहे हैं कि इसको 4000 से ज़ायद दफ़ा लोगों ने शेयर किया है, बहुत सारी व्यूज़ आ रही हैं, और यकीनन साद को तो हमने बुलाना ही था, तो आइए उनसे जानते हैं कि ये सारा एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल? बहुत बहुत मुबारक हो एक और अचीवमेंट पे। इट्स नेवर इजी, जिस तरह के मोहब्बत में लोग पहाड़ सर करने की कोशिश करते हैं, आप एशिया के पहाड़ों से बोर हो गए तो आप अमेरिका का आपने रुख किया। मुझे बताएं कि ये कैसे सिलेक्ट किया कि इस दफ़ा भाई अब इस पहाड़ की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। सिलेक्ट ऐसे किया कि मैंने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर। चूंकि मैं पाकिस्तान में और नेपाल में एज अ गाइड काम करता हूं, तो ये वो जगह हैं कि अब मेरे लिए नई नई रही, और जो एक लर्निंग का प्रोसेस है वो किसी हद तक रुकता तो नहीं है, लेकिन पहले जो शुरुआत थी उसमें लर्निंग ज्यादा हुआ करती थी, बिकॉज इन जगहों से उस तरह से शनासाई नहीं थी। तो कोशिश ये की कि इस लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखने के लिए उन जगहों पर जाया जाए जहां पर इससे पहले हम नहीं गए, और ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी भी माउंटेन कम्युनिटी से बहुत कम लोग गए हैं हमारे पाकिस्तान से, तो वहां जाके अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करें और जाके उनसे भी सीखें और अपने सीखने का प्रोसेस को जारी रखें। सो दैट इज व्हाई सिंस लास्ट ईयर अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी सर की, यूरोप की हाईएस्ट चोटी सर की, और इसी सिलसिले में फिर साउथ अमेरिका की भी हाईएस्ट चोटी सर की। क्या बात है साहब, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि लोग सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, आपका जो ये मशगला है, जो ये शौक है, ये यकीनन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंजेस आ रही हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। मुझे ये बताइए, नेपाल में हाल ही में ख़ास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने नए रूल्स कवानीन बनाए हैं, क्या आप किस तरह वहाँ पर अपने पीछे गारबेज और प्लास्टिक्स छोड़ के नहीं आ सकते, ये चीजें कितनी अहम हैं खास तौर पे, और इस तरह के कानून कितने सख्त हैं, और आप क्योंकि उसको प्रैक्टिकली वहां पे जाके एक्सपीरियंस करते हैं तो इनको कोई फॉलो भी करता है, या मुख्तलिफ माउंटेनियर्स दे आर लीविंग अ लॉट ऑफ ट्रैश बिहाइंड एंड दैट्स आल्सो अ ग्लेयरिंग प्रॉब्लम? 100% एग्री जी, बहुत सीरियस मसला है, और स्पेशली पाकिस्तान और नेपाल जैसे मुल्क जहां पर ना सिर्फ के लोग को पैमाई के लिए पहाड़ों में जाते हैं, बल्कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग पहाड़ों में बसते हैं, तो खास करके वो लोग बहुत सवेरली हिट होते हैं इस तरह के मसाइल से। उनकी जो वाटर इंटेक है, जिन स्ट्रीम से उन्होंने पानी लेना है, वो स्ट्रीम्स कंटेमिनेट हो जाती हैं और फिर बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। तो बिल्कुल नेपाल में नए रूल्स आ रहे हैं, स्पेशली एवरेस्ट के लेके नया रूल आ रहा है, लेकिन इस तरह के रूल्स जैसे जिस पीक में मैं गया कनकागुआ या और डिनाली है या विंसर है, जो जो पीक्स हैं, यहाँ ऑलरेडी ये रूल्स लागू रहे हैं। अभी जब हम ये गए तो हमने इन रूल्स के अंदर रहते हुए अपनी पीक क्लाइम की, और वहां पर शुरू में ही पार्क के एंट्रेंस पर ही हमें ट्रैश बैग्स दे दिए गए कि आपने जो भी है वो लेकर आना है, और फिर आपकी चेकिंग होगी, आपने वो दिखाना है, जितनी बार भी आपने एक्लेमेटाइज के लिए जाना है या समिट पुश पे जाना है तो आपने वापस आके जो भी आपका गार्बेज है वो लेकर आना है, और आपने उसको डंप करना है, और वहां पे बेस कैंप पे लोग थे जो उसको चेक करते थे। तो आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी हैं, उनके साथ अबाइड करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद चंद एक लोग फिर भी, जैसे पहले तो बहुत बड़ा ही मसला रहा, लेकिन अब आई थिंक अगर ये रूल होगा तो डेफिनेटली इसमें कमी जरूर आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको बहुत सीरियसली साथ इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लर्निंग है? एक तो हम पहले अनफॉर्चुनेटली एक हमने पूरा दौर देखा दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, तो कई एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले लोगों को पैमा मुख्तलिफ और पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले लोग यहाँ आ नहीं सके, अब जबकि ये रास्ते खुले हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और उन कवानीन को पाकिस्तानी माहौल में लागू करना, एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है आपके ख्याल में?
जो एक चीज सबसे ज्यादा आई थिंक अप्लाई करने की जरूरत है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है जी जहां पर भी हम जाते हैं देखते हैं, तो वो क्योंकि हम बहुत दफा ही बात करते हैं टूरिज्म प्रमोट करना है, प्रमोट तो एक बात है आपने डेवलप करना है। अगर आपके पास लोग आ भी गए तो क्या आपके पास फ्लाइट इतनी है, आपके पास होटल इतने हैं, आपके पास तमाम तरह सहूलियात ऐसी हैं कि जब वो आ जाए तो उसके बाद हम उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। तो आई थिंक एक ये बहुत चेंज मैंने देखा है, एक बिल्कुल एक पीक अगर यहीं पर है फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में किलिमंजारो समिट की, वो पाकिस्तान के लिहाज से एक बड़ी छोटी सी पीक है, उस तरह की हमारे पास सैकड़ों पीक्स हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने उस एक पीक को ऐसा यूटिलाइज किया है, उसके इर्द गिर्द ऐसी मार्केट बिल्ड की है कि एक दिन में 100-100 लोग वहां जा रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं और पूरी दुनिया में मालूम है लोगों को जी कि किलिमंजारो की क्या वैल्यू है, ऑफ जबकि कोर्स वहीं पे मैंने जब लोगों से पूछा तो लोगों को मालूम ही नहीं, हालांकि पाकिस्तान में माउंटेन जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिल्कुल, एनीवेयर एल्स इन द यानी वर्ल्ड, तो एक्सेसिबिलिटी के उनको साथ साथ आपने जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पूरा इकोसिस्टम बनाना, लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना, उनको जो जो चीज़ें दरकार हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी होना, ये एक वीजा बहुत पॉलिसी अहम एक्ट इशू आसान है। बनाना तमाम चीजें, जी जी साद मैंने कहा वीजा जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल इसी उसमें वीजा पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज बनाना कि जैसे एक अभी लास्ट ईयर एक पॉलिसी आ गई कि जी आपने अगर दो पीक्स भी क्लाइम करनी है तो एक का परमिट लेके दोबारा परमिट, अब वो मुमकिन नहीं था लागू करना क्योंकि दो पीक्स अगर बिल्कुल साथ है आप वहां पहुंचे हुए हैं, आप बहुत दूर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो आप कहने सिंपल सी बात यह है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जो लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो वो बिल्कुल। उसको यूज कर साथ सके। एक बहुत तो ये अहम सवाल मैं लोकल कम्युनिटी और पोर्टर्स के हवाले से करना चाहूँगी, वहाँ के मकामी लोगों के ये बड़े उनके लिए बड़े आशना होते हैं, वो इस इलाके से भी, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उससे भी। लेकिन अभी हाल ही में हमने एक बड़ा हौलनाक वाक़या देखा, व्हेन वन ऑफ द पोर्टर्स डाइड ड्यूरिंग द क्लाइम, और फिर क्योंकि मौसम की सख्ती होती है, आपने तेज़ी से आगे बढ़ना होता है, हिज बॉडी वॉज ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड। तो हमारे लोकल्स जो इस स्पोर्ट को पैमाई को सपोर्ट कर रहे हों, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? उनके पास प्रॉपर गेयर भी नहीं होता एट टाइम्स, और वो इतने मुश्किल दुश्वार रास्तों पे लोगों की रहनुमाई कर रहे होते हैं ओनली बिकॉज इट्स देयर लाइवलीहुड। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली तो ये बड़ा अच्छा हुआ बिकॉज को हम क्लियर करना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों ने गैर मुल्की कोपेमाओं के बारे में लिखा कि जी वो बॉडी उन्होंने रिकवर नहीं की या उन्होंने ख्याल नहीं रखा। सो बेसिकली वो चीज वहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, हर चीज थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। सो अगर आप केटू पर जा रहे हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास उस जगह तक पहुंचने के स्किल सेट हो, आप ट्रेंड हो, नंबर वन। नंबर टू जैसे आपने भी कहा कि उसके लिए इक्विपमेंट होना जरूरी है, तो वो हम जैसे बाकी चीजों में करते हैं इसी तरह हमारे फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं कि इट्स ओके कोई बात नहीं हो जाएगा खैर है, लेकिन माउंटेनियरिंग और वो भी केटू के ऊपर ही वाकया हुआ था तो उस तरह की जगह पे चांस लिए नहीं जा सकते, उस तरह की जगह पर कोई भी चीज मिस नहीं की जा सकती कि इट्स ओके आप समिट सूट नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, फला बंदे ने किया था आप भी कर लेंगे बड़े स्ट्रांग हैं हम लोकल्स हम कर लेंगे, तो वो दो तीन उसके अंदर आप कह लें कि रेलिवेंट पार्टीज ने अपना पार्ट प्ले नहीं किया, वो जो बेचारे दूसरे फॉरनर्स क्लाइम कर रहे थे उनका ना ये जिम्मेदारी थी, कोई अपनी बड़ा एहसान करे किसी पे वहां पे तो इस तरह कर दे कि वो किसी को बचा के ले आए, वरना वहां सारे ही बिल्कुल मौत के दहाने पे हैं, हर बंदा बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है, तो किसी के लिए भी बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि वो किसी दूसरे को हेल्प कर सके इस तरह से। तो बिल्कुल पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो कि हम लोगों ने आई थिंक नहीं की और उस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इंश्योरेंस के इश्यूज हैं रेस्क्यू के इश्यू, तो वो हमने वही वाली बात अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सिस्टम ऐसा बिल्ड करना है कि ऐसे मसाइल सामने ना आए। जिसको कहते हैं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लेकिन हमें बड़ी खुशी है साद कि जिस तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने चोजन स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया को। जब तक हमें दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस पता नहीं होंगी, हम इन प्रैक्टिसेस को पाकिस्तान में ला नहीं सकते और फिर ये गैप कभी फिल नहीं हो सकता। सो कूडोज टू यू एंड अदर माउंटेनियर्स लाइक यू। एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।